गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट तीन वेदिन। कक्षा छठवीं है ना बच्चों, तो आप सभी बुक्स ओपन कर लीजिए और है ना कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए पेज नंबर 19, है ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपको फिंगर उंगली वहाँ रखनी है। ओके, प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखे गए संस्मरण जेल जीवन की झलक का एक अंश है ना। इसमें विद्यार्थी जी पर जेल में क्या बीतती हैं, कैसे काल कोठरी में बिताए गए एक एक पल को भूलना कठिन होता है आदि बातों का विवरण है। भारत को आज़ादी का मार्ग दिखाने वाले ऐसे ना जाने कितने सिपाही हैं जिन्होंने अंधेरे में अपने जीवन के अमूल्य क्षण समय बिता करके हमें स्वतंत्रता का उजाला दिखाया। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत प्रणाम, है ना। तो वेदिन का मतलब उन दिनों के बारे में, है ना, लेखक का कहना है जब वह स्वयं, है ना, कि कैसे जो है स्वतंत्रता सेनानियों की जो स्थिति है, है ना, उन लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और किस प्रकार जो है दुख पा करके हमारे जीवन को सुखमय बनाए, ये सबका वृत्तांत से वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, 22 मई 1922 का दिन था, दिल ढलने वाला था, कोई 4 बजे का समय था, लखनऊ की धूप और लू मशहूर है, गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो भी मन में आनंद था, कदम जल्दी जल्दी उठते थे, खुली धूप और गर्म हवा के थपेड़े किसी चमनिस्तान के झोंके के सदीश मालूम होते थे, चमनिस्तान मीन्स बाग बगीचे के झोंके के समान मालूम होते थे, मतलब हवा जो है, हवा की जो तेज गति है वो बहुत ही अधिक थी। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का, यह समय था लखनऊ स्टेशन पर पहुंचकर कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, है ना, कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। नज़र घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस दल के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े जिनके पैरों में क्या थी, बेड़िया थी, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, परंतु तो भी जवान और जवानों से बढ़कर उनके हृदय क्या हुए थे, खुले हुए थे। उन्होंने जय बोली, भारत माता की वंदना की। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक की बात स्पष्ट है कि वहाँ पर उनके पैरों में बेड़िया जरूर थी, है ना, बंधे हुए थे, लेकिन वह क्या थे, एक वे जितने युवक थे वे सब अपने मातृ, है ना, देवी के लिए और अपनी जो है भारत माता के लिए वंदना के लिए जो है उन्होंने जो है जोर जोर से उत्साह भरे, है ना, उत्साह से जो है जय बुला रहे हैं। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी, इधर उधर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ, दरियाफ्त मीन्स बहुधा सर्च, ऐसा बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वे लोग कहाँ के हैं, मलिहाबाद के हैं, गांधी जी के काम में पकड़े गए हैं, उसी में उन्हें सजा हुई है। उन्हें देखकर जेल में काटे गए दिन मुझे खुद ब खुद याद आने लगे, है ना, उनको देखकर के लेखक को खुद अपने जो है जेल में काटे गए दिन याद आने लगे। कानपुर जेल में लगभग 10 दिनों तक रहा, कुछ काम करने को था ही नहीं, दिन भर बैठे बैठे काटता, किताबें मिल गई थी, गीता रहस्य, तुलसीकृत रामायण और शेक्सपियर पढ़ा करता, एक से जीव उठता तब दूसरी किताब उठा लेता, जब और भी जीव उठता था तो उस थोड़ी सी जगह में चक्कर लगाता, बैरक में केवल एक चारपाई भर जगह थी, बाहर बहुत घुमा करता था, मीलों पैदल चलने की आदत पड़ी हुई थी, कुछ तो कामों के कारण पैदल चला करता और कुछ टहलने के लिए, परंतु इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलना डुलना मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत कोशिश की थी कि व्यायाम का सहारा बना रहे, है ना, परंतु इसका निर्वाह न हुआ। जेलर ने दूसरे ही दिन सवेरे आकर कहा कि आप
किसी दूसरे कैदी से बात ना करे। आपको ऐसा ना करने देने की हमें आज्ञा है और आपको टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा, दूसरे कैदियों को भी पास आने की आज्ञा नहीं थी। है ना, आप लोग समझ सकते हो बच्चों, है ना, क्या क्या समझ सकते हैं आप लोग कि कितने जो है जटिल, कितने दुख व्यतीत किए है ना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। परंतु वे लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते, जो भोजन बच जाता मैं उन्हें दे देता, है ना। लेखक का कहना है कि वे तब भी से सफाई के बहाने रोज आ जाते और जो भोजन बच जाता उन्हें दे देते। वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूब सुन रखा था, ना मालूम कहाँ कहाँ की बातें उन तक पहुँच जाती। उन बातों को आपस में बढ़ा चढ़ा कर एक एक की सौ सौ कर देते, मीन्स बात को बढ़ा चढ़ा करके बता देते और उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते। एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था। वह मेरे साथ, है ना, वह मेरे साथ वाली बैरक में बंद था, जिस रूम में उन लोग थे वहीं पर। वह भी सफाई के लिए आया करता था, गांधी जी पर अपनी असीम भक्ति प्रकट करता, कहता महात्मा जी के लिए सिर हाजिर हैं, है ना, और उनकी दया होगी तो सांप छूट जाऊंगा। मैंने कहा महात्मा जी डाकू के साथ नहीं हैं, वह डाका डालना बुरा समझते हैं, वह इसे अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और सांप बच जाओ। इस बात से वह सोचने पड़ गया। बाद में वह अपने कामों पर पश्चाताप करने लगा, मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ। मुझे जेल के लोगों ने बताया, जेल की आधी आबादी दफा 109 व 110 में आए हुए कैदियों की होती है। गांव शहरों में जो आदमी तनिक भी मनचला और बढ़े हुए फैसलों का हुआ, मनचला भी चंचल प्रवृत्ति के लोग और बढ़े हुए हौसलों हिम्मत का हुआ, है ना, बस उस पर पुलिस की वक्र दृष्टि पड़ी और दफा 109 या दफा 110 में जेल भेजा गया। यह मानना पड़ेगा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर हैं। उनका कसूर केवल इतना होता है कि उनमें जोश होता है, आगे आने की हिम्मत होती है, आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती है। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बातों को अपने काम में बाधा समझती थी और इन्हीं भावनाओं को खुल्लम खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलती हैं सबके सामने, खुल्लम खुल्ला में सबके सामने। कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। 6 बजे शाम को बैरक में बंद कर दिया जाता, रोशनी के लिए लालटेन रहती, रात को मलमूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे, सवेरे 6 बजे खोला जाता, दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना और रात को पढ़ना। तबीयत उकताती तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें करता था, है ना, थोड़ा अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं करना, तबीयत उकताती मीन्स यही है ना, अच्छा नहीं फील होता था उनको तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें करता था। फिर अपने साथी नंबरदार से इन दोनों से बात करने में कठिनाई होती थी। विचारों में क्यों कठिनाई होती थी, क्योंकि विचारों में कोई सामंजस्य नहीं था। सामंजस्य मीन्स तालमेल। इसलिए खेती पाती घर द्वार इसी प्रकार के बहुत ही सामान्य विषयों पर साधारण से साधारण बात कर समय काटने की कोशिश करता। रामायण को जोर जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता, रात को पढ़ता। नंबरदार कलुआ बड़ी भक्ति से बैठ जाता, खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। जेल में तकलीफ ना थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं कटता था, यहाँ तक कि दिन में घंटे मिनट तक गिन डालते। बैठा बैठा बहुधा दीवार के पास से सन सन और पढ़ पढ़ करके जाने वाली ड्राम के आने जाने की संख्या गिना करता था। कुछ मिनटों की आमदरस्त गति के आधार पर, आमदरस्त मीन गति के आधार पर हिसाब लगाया करता था कि सवेरे से लेकर 11 बजे रात तक ट्राम इस पटरी पर से कितनी बार आई और गई होगी। एक दिन पुख्ता कर बैरक भर में कितनी ईंटें लगी हैं उन सब की गिनती करता रहा। पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता तब यह काम करता। एक दिन सवेरे शायद 26 अक्टूबर असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा रहे हैं।
मुझे अपने नंबरदार के भी छोड़ने का अफसोस था, परंतु कानपुर जेल छोड़ने का अफसोस नहीं था। है ना, ये जो है गणेश चंद्र विद्यार्थी द्वारा लिखा हुआ पाठ है ना। इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितना जो है स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन कैसा होता है ना, और उसे कितना जो है दुख में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है ना, केवल इसलिए कि वह जो है आने वाले अपने सुनहरे जो भविष्य में मनुष्य का और अन्य जो लोगों का कल्याण हो सके, वे तो उसमें स्ट्रगल कर लें, लेकिन आने वाले जो जीवन है, मनुष्यों का जीवन है, वे स्वतंत्रता युक्त स्वतंत्रता से जो है वह सुखी रह सके, इसके लिए वह जो है दूसरों के लिए मीन्स परोपकार के लिए उनका जीवन हुआ करता है ना। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर में यही समझ गए होंगे है ना, कि स्वतंत्रता सेनानी कितने महान होते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए होते हैं, इसीलिए उनका जीवन हमेशा सम्माननीय होता है, हमेशा उनको सम्मान देना चाहिए। ओके।